एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 3 सीजन जुलाई, अगस्त और सितंबर की समाप्ति हो चुकी है। जल्द ही परिणाम हेतु अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं बताते चलें कि जल्द ही अगली कड़ी की शुरुआत की जाएगी। नवगछिया अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड को बिना किसी गलती के हटाए जाने की अस्पताल उपाधीक्षक ने की अनुशंसा। एसडीओ ने दिए जाँच के आदेश, हटाए जाने की कार्रवाई पर लगाई रोक। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षा को लेकर एजेंसी के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए सुरक्षा गार्ड ने बुधवार को नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पताल उपाधीक्षक एवं प्रबंधक के द्वारा हम सभी सुरक्षा गार्ड को बिना किसी गलती के ही अस्पताल उपाधीक्षक एवं प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा है। इसको लेकर उनके द्वारा हम लोगों को हटाए जाने की अनुशंसा करते हुए हम लोगों के एजेंसी को लेटर भी निर्गत कर दिया है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि इसके पूर्व भी हम लोगों को फर्जी लेटर निर्गत कर हटाए जाने का प्रयास किया गया था, बिना किसी कारण ही हम लोगों को हटाया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड का कहना है कि अस्पताल के दलाल को अस्पताल में कार्य करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण हम लोगों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल के कर्मी विभास सिंह के पुत्र चंदन कुमार, जो प्रभारी एवं प्रबंधक का दलाल है, वह अस्पताल में मरीज के डिस्चार्ज करने पर इंजुरी में आने वाले मरीजों से पैसे लेते हैं, जिसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया जाता है। इसको लेकर चंदन कुमार हम लोगों के साथ गाली गलौज करता है और धमकी देते हैं। अस्पताल प्रबंधक एवं प्रभारी का वही कार्य करता है जो हम लोगों को वहां से हटाना चाहता है। मालूम हो कि इसके पूर्व भी चंदन कुमार द्वारा सुरक्षा गार्ड को गाली गलौज एवं धमकी दी गई थी, जिसमें सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर एसडीओ ने चंदन कुमार को चेतावनी दिया था कि वे अस्पताल के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करें। फिर भी बताया जा रहा है कि चंदन कुमार को फिर से अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में कार्य लिया जा रहा है। वहीं नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि सुरक्षा गार्ड के द्वारा आवेदन दिया गया है। इस संदर्भ में सभी आरोपियों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल में सुरक्षा में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड को जांच की कार्रवाई पूरी होने तक हटाए जाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव में रोक लगा दिया गया है। नवगछिया थाना के चिमनी भट्टा के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी दुर्गा मंदिर के समीप स्थित चिमनी भट्टा कलवलिया धार के पास से नवगछिया पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में नवगछिया पुलिस के तकनीकी विभाग के पदाधिकारी महताब खान एवं पर्वता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव व नवगछिया थाने की गश्ती पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस कार्रवाई में लगभग 100 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। इस कार्रवाई में शराब कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार चिमनी भट्टा कलवलिया धार के समीप शराब कारोबारी के द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर उसके नीचे शराब का स्टॉक किया गया था। कारोबारी के द्वारा शराब किए गए स्टॉक की सूचना नौगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारी को मिली। सूचना के आलोक में एसपी स्वप्नाजी मेश्राम के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और जमीन के नीचे छुपा कर रखे गए शराब को जब्त कर लिया गया। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, तटवर्ती इलाके में दर्शन। विगत 5 दिनों से कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से रंगरा के तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ कोसी नदी में लगातार जारी कटाव ने तटवर्ती इलाके के लोगों की नींद गायब कर दी है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो प्रखंड के कई नए गांव इसके चपेट में आ जाएंगे। इधर 2 माह पूर्व बाढ़ पीड़ित हुए मदरौनी और सोहरा गांव के लोगों ने तत्काल बाढ़ से निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। मालूम हो कि दोनों पंचायत के करीब 10,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं। वहीं सोहरा और मदरौनी के बाढ़ पीड़ित ने समुचित रूप से राहत सामग्री वितरण कराने की मांग की है। जल जमाव की समस्या से जूझ रहे दर्जनों गांव, उदारक की तलाश ग्रामीणों को। पिछले दिनों लगातार वर्षा होने से गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय सहित दर्जनों गांव में जल जमाव होने के कारण ग्रामीणों को घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। अतः प्रखंडवासी
उद्धारक को खोजने लगे हैं। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि कार्यालय व पशु अस्पताल जाने का रास्ता जल जमाव के कारण अवरुद्ध है। यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी जहाँ तहाँ बैठने को विवश हैं और सुदूर गांव से आने वाले ग्रामीण ऑफिस बंद होने के कारण वापस जाने को विवश हैं। जीबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा का निधन। नौगछिया जीबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य कटिहार जिले के कुर्सेला के कटरिया निवासी डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा का सोमवार को हृदय गति रुक जाने के कारण आकस्मिक निधन हो गया। पूर्व प्राचार्य के आकस्मिक निधन पर बुधवार को जीबी कॉलेज में कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिवशंकर मंडल की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के शिक्षक कर्मी एवं छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ढोलबज्जा कोरोना जांच में सभी की रिपोर्ट आई निगेटिव। बुधवार को मध्य विद्यालय ढोलबज्जा में शिविर लगाकर नौगछिया से आए मेडिकल टीम ने करीब 200 लोगों की कोरोना जांच किया, जहां जांच टीम में शामिल नौगछिया अस्पताल के मैनेजर ओम कुमार, फैसिलिटेटर बबीता कुमारी, एएनएम सोल्टी जायसवाल, अनीता कुमारी व लिपिक उमाशंकर जायसवाल ने बताया कि कोरोना जांच में सबों का रिपोर्ट निगेटिव मिला है। नारायणपुर बैंक कर्मी का विदाई समारोह आयोजित। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार स्थित यूको बैंक शाखा नारायणपुर में बुधवार को बैंक कर्मी मुरारी प्रसाद तिवारी के सेवानिवृत्ति पर शाखा प्रबंधक प्रीति रानी के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं बैंक कर्मियों द्वारा पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र सहित अन्य सामग्री उपहार स्वरूप उन्हें दिया गया। नवगछिया के रंगरा में 2 दिनों से सामने नहीं आया कोरोना का एक भी केस। रंगरा के साधोपुर और भवानीपुर गाँव में कैंप लगाकर किया जा रहा कोरोना जाँच। रंगरा चौक प्रखंड में अब कोरोना के मामले में अब काफी कमी आने लगी है। बुधवार को साधुपुर गांव में कैंप लगाकर 175 लोगों की कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जहां सबों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। मंगलवार को भी प्रखंड के भवानीपुर गांव में कैंप लगाकर कुल 204 रोगियों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जहाँ सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नवगछिया एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। नौगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी कुमोदी कुमार को नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया थाने के दरोगा राजकुमार सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में गिरफ्तारी हुई है। राजकुमार सिंह ने बताया कि कुमोदी कुमार एनडीपीएस एक्ट के मामले में प्राथमिकी फरारी अभियुक्त था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9303667170। 7 लीटर देसी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मोटरसाइकिल हुआ जब्त। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर वाहन चेकिंग के दौरान नौगछिया पुलिस ने 7 लीटर देसी शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाईगांव निवासी अखिलेश कुमार एवं गौरव कुमार है। नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि चेकिंग के दौरान दोनों युवक मोटरसाइकिल से शराब को लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया है। युवक के पास से 7 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने युवक की मोटरसाइकिल जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब बरामदगी के संदर्भ में थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नौगछिया देसी पिस्तौल व 2 गोली के साथ युवक गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस ने श्रीपुर गांव से एक युवक को देसी पिस्तौल व 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक मूल रूप से बेगूसराय जिले का रहने वाला है। वर्तमान में युवक नौगछिया नगर पंचायत क्षेत्र के गरीबदास ठाकुरबाड़ी रोड में किराए के मकान में रहता था। नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि युवक हथियारों व गोली के साथ श्रीपुर गांव में एक व्यक्ति को धमकाने के लिए गया हुआ था, जहां
ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के आलोक में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए युवक को हथियार एवं गोली के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के पास से एक देसी पिस्तौल, दो गोली बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले में नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गोपालपुर, एक मॉस्केट व 8 गोली एवं शराब के साथ एक साथी गिरफ्तार। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में मंगलवार की देर रात गोपालपुर पुलिस ने छापेमारी कर हथियार, गोली एवं विदेशी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी विज्ञान मिश्रा, पिता सुरेंद्र मिश्रा है। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक मॉस्केट, 8 गोली व 5.8 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि विज्ञान मिश्रा अपने घर पर हथियार, गोली एवं शराब रखे हुए है। सूचना के आलोक में गोपालपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बलों के द्वारा उसके घर पर छापेमारी की गई। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में विज्ञान मिश्रा के गौशाला से उक्त चीजें बरामद की गई है। तलाशी लेने के दौरान वहीं पर रखे एक बोरा में आरएस का 350 ml का 7 बोतल, मैग डबल 750 ml का 4 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। एक लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। कदवा ओपी क्षेत्र के बाबा विशु राउत पुल पर से एक लीटर देसी शराब के साथ थाना क्षेत्र के कंचनपुर कदवा निवासी जवाहर मंडल को कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने एक टेम्पो को भी जब्त किया है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निःशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें msWTBihar.com पर। 1 2 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नौगछिया। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीटेक, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला, नौगछिया। 9534338689, 7856914231, 6206224713। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली, संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। We'll be right back.